जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है हर मन कर सिलवट पे लोढ़ा से, आ कुछ दिन जवानी रजऊ अकोन सावत संग कट तड़चानी लगा के मच्छरदानी रजऊ। दोस्तों, सफलता किसी की मोहताज नहीं होती, ये कहना बिल्कुल सही है। आज हम बात करेंगे छोटे बाबा की। आखिर वो छोटे से बाबा कैसे बने, भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे उन्होंने एक अपना मुकाम हासिल किया, मच्छरदानी गाने से कैसे रातों रात हिट हो गए और कैसे मंडी हाउस में स्ट्रगल किया और शोहरत पाई। देखिए हमारी खास मुलाकात छोटे बाबा यानी भोजपुरी के सबसे बड़े सिंगर से। बहुत खुशी है इस बात की कि आज नवमी का पहला दिवस फर्स्ट डे है और नवरात्रि का, और आज एक शुरुआत कर रहे हैं हम लोग बेलू जी के साथ में। ऑलरेडी पहले कई सारी फिल्में किया हूं और फिर मौका मिला है, लॉकडाउन के बाद ये मेरी पहली फिल्म होगी इनके साथ, अच्छा लगा। सर, कहीं ना कहीं म्यूजिक का पोस्टर का बहुत बड़ा योगदान रहता है, स्टोरी का भी रहता है, ऐसा नहीं है, जी बिल्कुल होता है फिल्म का। हाँ, क्या कहना है? म्यूजिक का मेरा ये मानना है कि कंटेंट जो आपकी स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार अगर कोई ट्यून या रिदम या म्यूजिक बनाया जाए तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इम्पैक्ट बनाता है अपना, और फिल्म भी अच्छी चलती है फिर तो। कहीं ना कहीं आपके स्क्रिप्ट और कहानी का के साथ अगर संगीत तैयार किया जाए तो अच्छा रहेगा। सर, क्या आइडिया आपका, क्या इसके अंदर किस तरह का म्यूजिक डालेंगे आप? जो मुझे प्लॉट अभी समझ में आया है, ये कमर्शियल फिल्म है तो उसको ही ध्यान में रख के हम लोग करेंगे, जैसा कि कुछ साउंड वाइज कुछ नया कर सकते हैं इसमें हम लोग, ऐसा प्लान किया है। ऑडियंस बदल चुकी है, गांव खेड़े की जो ऑडियंस है पहले वाले नहीं है, गाने के लुक और हर चीज बदल चुकी है, तो उसके हाँ। बदलाव के साथ कितना बदलाव किया आजकल? बदलाव में साउंड ही बदल सकते हैं, एक जो फोक अपना जो भोजपुरी का एक जो टेस्ट है वो तो रखना ही पड़ेगा, उसका साथ साथ टेक्नोलॉजी जो है अपना, जैसे साउंड वाइज या उसको मिक्सिंग वाइज हम लोग नया में वही चेंज कर सकते हैं और बाकी तो चीज़ें वही रहती हैं। तो बात करें, पहला आपका कौन सा गाना जिससे आपकी पहचान बनाई बॉलीवुड? कम से कम बेलू जी साथ में थे हम लोग, एक प्लान किए थे, वो फिल्म थी बलमा बिहार वाला। हाँ। और वहाँ से एक गाना अपना लालटेन जरा के और फिर मच्छरदानी करके, दो गाने ये काफ़ी चर्चा में रहे तो उसके बाद से शुरू हुआ अपना म्यूजिक का। उसके बाद फिर राजा बाबू, फिर लाइन से तो फिर मैंने करते गया। आगे मैं हूँ भभुआ जिला, कैमूर डिस्ट्रिक्ट, बस वहीं गांव है मेरा। वहाँ से यहाँ तक आने में कितने उतार चढ़ाव आए लाइन? बहुत सारे आए, बहुत सारे आए। मैं बनारस में रहा, बनारस के बाद फिर मैं चला गया मंडी हाउस, मैं थिएटर में म्यूजिक करता था दिल्ली, उसके बाद दो साल मैंने थिएटर में म्यूजिक किया, फिर उसके बाद साथ में फिर मुंबई आया, मुंबई आके 2003 में मैं मुंबई आया, तब से लेके अभी तक काम कर रहा हूँ बस। ऐसा कौन सी फिल्म है, गाना जो आपके लिए मील का पत्थर साबित हुई, जो बाबा जो आपको यहाँ तक पहुँचा? वो गाना था मच्छरदानी रजऊ। ऐसा क्या था उस गाने के अंदर? गाना फोक था और फोक को अगर तरीके से जब भी परोसा जाए, अगर क्योंकि उसमें एक फील होता है तो उस हिसाब से वो गाना लोगों को पसंद आया। हर किसी की स्ट्रगल की कहानी होती है, आपके स्ट्रगल की कहानी की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं बाबा, आपका रियल नेम क्या है, बाबा क्या है, बॉलीवुड का नाम है आपका? बाबा बचपन से बाबा लोग बोलते थे, जैसे हम लोग के साइड में बाबा बाबा बोलते हैं लोग। एक म्यूजिक करने के जो सिलसिला है उसमें बाबा हर किसी को बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो अपना काम करते हैं उसको बाबा बोलते हैं तो। और छोटे मेरा घर का नाम है, निक नेम है मेरा, तो छोटे बाबा वो लग गया। आपने भोजपुरी के अलावा बॉलीवुड में कोई गाने की कोशिश की है, गाया? मैं संगीत बनाता हूँ तो ऑब्वियसली मैं गाता भी हूँ, मैंने अभी लालटेन किया भी था 2.0 करके, तो मैंने खुद गाया था उसमें। मैं गाना पहले म्यूजिक बनाना मेरा सबसे पहला है, सेकेंडरी मैं वो जो म्यूजिक राइटर हो तो गाएगा ही, तो उस हिसाब से मैं गाता भी हूँ कभी कभी। सबसे बेहतरीन गाना कौन सा आपका, जो बात करें, जो आपके दिल के काफी करीब हो, कहते हैं ये मेरी? मैं ज़्यादातर गाने
फील वाले गाने मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो उसमें एक गाना है मेरा जो बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्या मैं बोलूँ, मोहब्बत कर गई रखिया, मोहब्बत कर गई रखिया, न धड़कन के खबर लागल, ई रूपवा के असर ना, पीरितिया कर गई पागल, मोहब्बत कर गई रखिया, न धड़कन के खबर लागल। ये गाना था जो अभी भी मैं हमेशा गुनगुनाता रहता हूँ। सबकी स्ट्रगल होता है, कोई ऐसी वाक्य शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ जो काफी दिल को याद आता है कभी कभी, कि क्या दिन थे वो जब मुंबई में काम ढूंढना, क्योंकि आप कोई खान फैमिली से तो है नहीं, बट फैमिली से नहीं है, स्ट्रगल का रूप चेंज होता है, स्ट्रगल आज 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 भी है और पूरी ज़िंदगी रहेगी जब तक हम लोग जियेंगे और काम करते रहेंगे, स्ट्रगल चलता रहेगा, तरीका बदलता है उसके वजह से। कितनी ज़्यादा हेल्प की आपकी और स्ट्रगल कैसा रहा स्टूडियो में कभी जाके निराश होना, किधर उड़ जाते हैं? मैं अपने आप को एक्चुअली मैं बोलूँ, मैं कभी भी हताश नहीं हुआ और मैं होता ही नहीं था। मैं मेरा एक मानना है, मैं जब थिएटर में गया था तो सबसे पहले वहाँ पे मैंने एक चीज़ सीखा कि हौसला, अगर हार गए तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये मैंने डिसीजन ले लिया कि चाहे कुछ भी हो, इसके मैंने कभी भी लाइफ में ऑप्शन नहीं बनाया, म्यूजिक के अलावा म्यूजिक नहीं करता तो भी म्यूजिक करता, ऐसा बना लिया कि इसका ऑप्शन नहीं है मेरे पास। बस मुंबई के कपड़े कभी हर किसी को बहुत बहुत क्या? बहुत सारी चीज़ें हैं वो शेयर करना चाहेंगे। मैं आया तो हर किसी की कहानी है, छोटे से घर से शुरू होती है, भूखे रहकर कैसे रहकर, ऐसा ही है अपना भी, ऐसा ही कुछ। मैं न्यू मुंबई में रहता था तब, जब आया तो न्यू मुंबई में जाके कुछ लोगों, वैसे लोग मेरे साथ में रहते थे जो दिन में पर डे 70-80 रुपये कमाते हैं जो अपना काम करके, वैसे उनके साथ रहा, मैं भी वही सब काम किया। धीरे 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 स्टूडियो में जाने लगा, स्टूडियो में मेरे गुरुजी हैं परिवेश सिंह, उन्होंने मुझे स्टूडियो में बुलाया, फिर धीरे 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 मैं संपर्क में आते आते मैं सीखते गया, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया। तब वो ज़माना, पहले लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, हम लोग जब आए थे तो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, उस समय सॉफ्टवेयर नया था, फिर मैं कंप्यूटर का सी भी नहीं जानता था, फिर उन्होंने कंप्यूटर सिखाया, कीबोर्ड सिखाया, कोड प्रोग्रेशन क्या होता है, कैसे न्यूंडो क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर कैसे रिकॉर्डिंग होता है, ये सब उन्होंने सिखाया। और फिर एक सबसे बड़ी सबकी बात तो नहीं करते हम, फिल्म हिट हो जाती है, राइटर और सिंगर को बिल्कुल पीछे रखा जाता है, जिंदगी मतलब बहुत ही ओझल होती है, मतलब क्या कहना चाहेंगे, उसका कोई इंटरव्यू नहीं होता है, कोई पहचान नहीं होती है, क्या कहना, ये बात कहीं ना कहीं सच्चाई है इस बात? मैं बोलूँगा तो अभी इस पर तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा कि, लेकिन हाँ ऐसा है, कहीं ना कहीं ऐसा है। तो वैल्यू सबको मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं संगीत ही वो जरिया है, जो आज भी हमारे सुपरस्टार जो लोग हैं वो पहले गायक हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक संगीत से जुड़ाव रहा है, वो संगीत जाने हैं, गाए हैं, उसके बाद आज हीरो बने हैं, तो म्यूजिक को तरजीह देना चाहिए उस लेवल पर। टाइम के अनुसार हर चीज़ें पॉपुलर होती है, अभी बचपन का प्यार एक छोटा सा बच्चा है, रात रात हिट हो जाता है जी, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी में उस गाने को लाने की कोशिश की आप लोगों ने? मैं कोशिश में ये जो बना हुआ है ऑलरेडी उसको मैं उसको ये प्रेफर नहीं करूँगा कि उसको बनाया जाए, वो ऑलरेडी अच्छा है। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है, लिरिक्स याद नहीं है। कितना मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, एक बहुत अच्छा ट्यून, कैची है और अच्छा लगता है गाने। सर जा जाते आपका मच्छर जाने वाला गाना गुनगुनाएंगे अपने, सर मुझे खाली आईडी दे दो इसे, हाय एक मिनट बेटा इसको पकड़ना, ऐसे हाय मैं हूं बाबा और मुझे देख रहे हैं बाइस्कोप पे, बाइस्कोप तो भोजपुरी में बोल रहा हूं, उधर का ही चैनल है। अच्छा एक गाना गाना।